हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम इनको आईना दिखा रहे हैं कि आपने क्या किया 2013-14 तक, 60 साल तक आजादी के बाद आपने शासन किया और एक मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आपने काम नहीं किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम करके दिखाया वो हम आपको आईना दिखाना चाहते हैं। 2013-14 में इस देश का मत्स्य उत्पादन 95.7 लाख टन था, जो बढ़कर 23-24 में 174.45 लाख टन हो गया। 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो काम किया, उत्पादन दोगुना हो गया। अब आपको कौन सा आईना चाहिए यह आप बताइए। उसके लिए अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाएगा आपको आईना दिखाने के लिए। उसके अलावा 73 साल में जो शासन करके जो काम नहीं किए वो उन्होंने किया। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान केंद्रित किया। ये एक बड़ा क्षेत्र था जहां 3 करोड़ लोग इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे, और इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, और ध्यान केंद्रित करके उन्होंने जो योजनाएं चलाई उसका ये परिणाम है। कई लोग चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ा उसका जो कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में फरवरी में मत्स्य उत्पादन को विभाग बनाया, और जून में 2019 के जून में उसके साथ डेयरी और पशुपालन को जोड़ने का काम किया। उसके कारण आज हमारा 2015 से 38,572 करोड़ रुपए की नई योजना और कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया, उसके कारण आज हमारा उत्पादन पूरा बढ़ा है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में।